नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हैं इंदौर राजीवानी में, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। आईबस स्टॉप पे हम लोग खड़े हैं अभी। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे आईबस की सेवाओं के बारे में कि आईबस कैसे चलती है। आईबस का एक पर्सनल रूट है, उसी रूट के अंदर आईबस चलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईबस एक अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली बस है। ठीक है, आप मैं आपको बताता हूँ टिकट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने आई बस का टिकट बाय कर लिया है। ये मेरा टिकट है 11.30 किलोमीटर का, राजीव गांधी टू निरंजनपुर। तो 11 किलोमीटर का सफर होने वाला है, उसमें हमारी ऑपरेटर आईडी और 11 किलोमीटर का सफर हमें ओनली 20 रुपये में पड़ रहा है यहाँ पे। और ये इसका स्कैनर दे रखा है जो कि टिकट है, और साथ ही साथ इसमें टाइमिंग दे रखी है कि हमने टिकट कब बाय किया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आई बस की गेट, टिकट से गेट ओपन कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हम आज आई बस में बैठ चुके हैं, अब इसका सफर का मजा लेते हैं। राजीव गांधी से निकल चुके हैं, देखते हैं बस का सफर कैसा रहता है। ये इसकी प्राइवेट लेन है जहाँ ये चल रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं भोलाराम उस्ताद मार्ग, जो कि एक स्टूडेंट एरिया है। यहाँ पे काफी सारी कोचिंग क्लासेस है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं, और कुछ कोचिंग क्लासेस है जो कि MPPSC PSC के लिए भी है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग क्लासेस है। और ये हम पहुंच चुके हैं अब विष्णुपुरी स्टॉप। इस एरिया में अधिकतर स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं बस के अंदर, और ये उनके लिए काफी अफोर्डेबल बस है। ये फुल एसी बस है और काफी स्पेस है बस के अंदर। और भी कई सारी चीजें हैं बस में, आगे चल के हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं बस में से कितना प्यारा नजारा देखने को मिलता है इंदौर का। हम पहुंच चुके हैं नियर बाय भंवरपुआ विद्याप्रीत सिविल सर्विसेज एंड कौटिल्य एकेडमी एंड अदर कोचिंग क्लासेस। और ये हम पहुंच चुके हैं भंवरपुआ आई बस स्टॉप। चलिए अब हम आपको बताते हैं भंवरपुआ की कुछ खासियत। हाँ तो फ्रेंड्स, हम उतर चुके हैं बस से भंवरपुआ स्क्वायर से, बैठे हैं माता गुजरी विष्णुपुरी, और देन अभी हम भंवरपुआ स्क्वायर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक ब्लू लाइन है जो कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लिया है राजीव गांधी से। हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे निरंजनपुर। इसके बीच में जितने भी स्टॉप्स हैं, और यहाँ पे आपको प्राइस चार्ट भी देकर रखा है बस का, कि यहाँ का बस का लास्ट जो चार्जेस है वो 20 रुपये का है। और इसमें 3 लेन और भी है जो कि बस की अदर जो लेन है वो है। इसमें एक ग्रीन लेन है जो कि राजीव गांधी से होते हुए जाती है, तो यह जाती है महू रेलवे स्टेशन तक। इसका चार्ज है 30 रुपये। और मैं आपको दिखाता हूँ भंवरपुआ स्क्वायर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे उतरा हुआ हूँ बस से, और मैं दिखाता हूँ अभी आपको क्लासेस। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, शहीद भगत सिंह सिविल सर्विसेज एकेडमी यहाँ पर है। देन इधर साइड अपना भंवरपुआ चौराहा है, और यहाँ पे डोर पे भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं कि कृपया दरवाजे से दूर रहें। और ये जो अभी आपको अगर देख पा रहे हो तो टाट्या भील चौराहा कर दिया गया है भंवरपुआ का नाम चेंज करके। और ये टिकट पासेस है जैसे अपने को इंटर होने के लिए। ये पिंक आई बस है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे गर्ल्स ही ड्राइवर है और गर्ल्स ही कंडक्टर है। ये भी सेम एज इट इज बस है, बट इसका कलर पिंक है जो कि आप देख पा रहे होंगे। फुल सेफ एंड सिक्योर बस है ये गर्ल्स के लिए, जो कि पिंक बस नाम दिया गया है।
यहाँ पर दिखाती है बस नंबर और राजीव गांधी से बस कहाँ तक जाएगी, उसका टाइम दिखाती है कि 2 से 3 मिनट में आएगी या 1 से 2 मिनट में बस आएगी। ये सारी डिटेल अपने को ये स्मार्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग देते हैं। बस में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि जैसे कि अपने सामान की सावधानी खुद से रखें, कुछ कुछ चीजें बस में बताई जाती है। अपना स्टॉप कौन सा आने वाला है, प्रीवियस स्टॉप कौन सा निकला है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे बस में सुविधाएं हैं कि आप कंफ्यूज ना होंगे। आपको बस बता भी देगी कि आप कौन से स्टॉप पे हैं, और इसका एक ऐप भी है जो कि चलो ऐप में सारी ही चीजें आपको देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस स्टॉप का नाम है गीता भवन बस स्टॉप। अभी हम पलाशिया बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहां से आप जो देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड टर्न, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही 56 दुकान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 56 दुकान, होलकर स्टेडियम, राजवाड़ा, ये तीनों ही इसी रूट पे है। बट सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है 56 दुकान जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है।
लोग यहाँ पे बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लोग तो बैठे हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं, वो काफी कंफर्टेबल खड़े, लोग जो खड़े हैं वो भी काफी कंफर्टेबल ही खड़े हैं। कोई हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगर हाई बस स्टॉप, और ये इंदौर का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। सत्य साई और विजयनगर के बीच में ये जो मेट्रो लाइन निकल रही है, हम लोग सतसाई स्क्वायर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बस ने बताया है कि बस के दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, जिस तरफ के गेट खुलने वाले होते हैं उस तरफ का इंडिकेशन बस पहले ही अपने को दे देती है कि दाईं ओर के खुलेंगे कि बाईं ओर के दरवाजे खुलेंगे। ये आप देख सकते हैं सतसाई स्क्वायर। हम लोग शालीमार टाउनशिप बस स्टॉप क्रॉस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई कॉर्पोरेट पार्क। लास्ट स्टेशन निरंजनपुर आने वाला है। आई बस में सफर करने के बाद काफी मजा आया। अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और हम आपको दिखाते हैं लास्ट स्टॉप है। ये आप देख रहे हैं आई बस, काफी लंबी होती है आई बस। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो बस है पिंक वाली, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। आप इस पर देख सकते हैं अहिल्या वाहिनी AICTSL आई बस, ये आप देख सकते हैं। और इस पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि केवल महिलाओं के लिए। और यहाँ इसका वेबसाइट है www.citybusindoor.com। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदौर का हाईवे स्टॉप था, लास्ट स्टॉप है निरंजनपुर। हाईवे में बैठने में काफ़ी मज़ा आया, सफ़र काफ़ी सुहाना रहा मेरा, काफ़ी कंफर्टेबल बस है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लास्ट स्टॉप है देवास माता निरंजनपुर, ये इसका लास्ट स्टॉप है हाईवे का। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जानने वाले लोगों को आई बस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, उन तक वीडियो को तक ज़्यादा से ज़्यादा